तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे बैंकॉक सफारी वर्ल्ड एंड मरीन पार्क एंट्री टिकट कैसे बुक करते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। वही इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। बैंकॉक सफारी वर्ल्ड एंड मरीन पार्क एंट्री टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो आप गूगल पर आ जाइए। गूगल पर सर्च कर लीजिए इज़ माई ट्रिप। सर्च करने के बाद ऑफिशियल लिंक पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। हम यहाँ पर देख सकते हो बुकिंग का सेक्शन दिखेगा, उसके अंदर आपको एक्टिविटीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तीसरे नंबर की लाइन में पहले नंबर का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको बैंकॉक के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में आ जाना है। नीचे की साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सफारी वर्ल्ड एंड मरीन पार्क। देख सकते हो यहाँ पर 2921 रुपये पर पर्सन टिकट का प्राइस बता रहा है। यहाँ पर देख सकते हो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलेगी, वो देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एक ही पैकेज है 2921 रुपये पर पर्सन वाला। देख सकते हो टाइमिंग है सुबह 9 बजे का, यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर आप जो है टोटल पढ़ लीजिए, उसके बाद मैप वगैरह देख लीजिए। देखने के बाद ऊपर आ जाइए, यहाँ पर सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी डेट पर आपको जाना है उस डेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है बआसानी। उसके बाद टाइमिंग आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, यहाँ पर ये नॉर्मल रहता है, यहाँ टाइमिंग का कोई मैटर नहीं। सुबह 9 बजे खुल जाता है, आप ओपनिंग के टाइम भी जा सकते हो। हम यहाँ पर लिखा हुआ है एडल्ट का प्राइस है 2921 रुपया। 12 साल के ऊपर का यहाँ पर देख सकते हो कितने एडल्ट है वो ऐड कर लेना है। यहाँ पर सिंगल हो तो सिंगल रहने देना, डन पर क्लिक कर लेना है। सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद बुक नाउ की बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन कराएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, नाम डाल लेना है जो आपके पासपोर्ट पर नाम है, फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लेना है आपको। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद GST नंबर है तो यहाँ पर क्लिक करके डिटेल भर लेना है, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं ये तो छोड़ देना है, कंटिन्यू बुकिंग की बटन पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा, ऊपर डिटेल अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, या फिर आपको नेट बैंकिंग से करना है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हो। उसके बाद अमेजोन पे वॉलेट वगैरह से पेमेंट आप कर सकते हो। पेमेंट आप कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करने के बाद आपका टिकट कन्फर्म बुक हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, आपके मेल पर PDF फाइल आ जाएगी। यही नहीं, आपके माई बुकिंग सेक्शन में, इस माई ट्रिप के माई बुकिंग सेक्शन में आपको टिकट देखने को मिलेगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप बुक करने के बाद या बुक करने से पहले इस माई ट्रिप से कॉल लगाकर बात कर सकते हो और आसानी इंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। बेल आइकन दबा दबा के आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखो कि जय हिंद।